में रहे हम के तूफान पे कोई कसीदा लिखे, उससे बेहतर है कश्ती भंवर में रहे। हम कहां कब किसी के असर में रहे, हम तो चुभते सभी की नजर में रहे। हम के तूफान पे कोई कसीदा लिखे, उससे बेहतर है कश्ती भंवर में रहे। मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मत समझना कि मैं गीत गाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा, मैं तो जख्मों पे मरहम लगाता रहा। ये समझ कर के जालिम पिघल जाएगा, ये समझ कर के जालिम पिघल जाएगा। मैं तरन्नुम में मातम मनाता रहा, जब तलक जुल्म की शाम जाती नहीं, जब तलक जुल्म की शाम जाती नहीं, तब तलक हर कलम दो पहर में रहे। हम कहां कब हम चूंकि उस विश्वविद्यालय से निकल के गए हैं, वहां की राजनीति से निकल के गए हैं, इसलिए देश दुनिया की कोई भी राजनीति से डर नहीं लगता, लगता है कि हम इससे ज्यादा तो वहीं झेल के आए हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है। तो इस विश्वविद्यालय ने, इस मंच ने जो सिखाया है, मैं वो तमाम तेवर लेकर के मैं प्रयास करूंगा कि जहां भी खड़ा रहूं अपने अंदर के शायर को जिंदा रखूं, अपने अंदर के कवि को जिंदा रखूं। कभी शिवम अंबर जी ने कहा था कि यह सच है हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, यह सच है हमने बेचा है अपनी प्रतिभा के नीलम को, बस्ती बस्ती भोजपत्र को, नगरी नगरी सरगम को, लेकिन यह भी सच है हमने सत्यम शिवम नहीं बेचा है, कवि की कलम नहीं बेची है, अपना अहम नहीं बेचा है। वो जिंदा रहेगा, मैं प्रयास करूंगा। शशांक भाई का आदेश है कि मैं अपने रंग में आऊं, हालांकि मैं नहीं चाहता कि मैं आज राजनीति की कोई बात करूं, हालांकि वो जो कह के गए अच्छे दिन पुराने दिन पता नहीं क्या क्या, मैं तो बड़े सलीके से शायर हूं तो अपने लहजे में मैं भी बात कह दिया करता हूं, और इन दिनों मैं तो यही कहता घूम रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो। अरे एक मतलब दो तीन शेर और पढ़ के अब सच में विदा लेता हूँ, शायरों की कवियों की आदत होती है चार पंक्तियां पढ़ के विदा लेता हूँ फिर अगली चार पंक्ति, लेकिन मैं सच में जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे अगले एक कार्यक्रम में पहुंचना है, और इन दिनों अब आदेश होता है तो राजनीति में आने का जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जहां आदेशित किया जाए वहां पहुंचना ही पड़ता है, वरना जनता बुरा मान जाती है, लोग बुरा मान जाते हैं, तो आदेश है तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं जो कुछ जिंदगी में जिया, जो जिंदगी में बीता खुद पर, उस सबको अगर मिस्रों में ढालने में आऊं तो शायद यूं ढालने में आऊं के मैं मर के जीना सिखा रहा हूं, मैं जी के मरना सिखा रहा हूं, मैं मर के जीना सिखा रहा हूं, मैं जी के मरना सिखा रहा हूं, मैं मर के जीना
सिखा रहा हूँ, मैं जी के मरना सिखा रहा हूँ, मैं तेज तूफान में जिंदगी को तलाश करना सिखा रहा हूँ। समंदरों से ये कोई कह दे, गुरूर को रख दे साहिलों पर, समंदरों से ये कोई कह दे, गुरूर को रख दे साहिलों पर, मैं थपेड़ों में अपनी कश्ती को पार उतरना सिखा रहा हूँ, मैं थपेड़ों में अपनी कश्ती को पार उतरना सिखा रहा हूँ। और आपसे बस इतना कहते हुए के हम कहाँ कब किसी के असर में रहे।